प्रदेश भर में सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू को खोल देने के आदेश जारी किए गए थे, जहां हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन जगह जगह पर धूमधाम से हुआ। वहीं रायबरेली जिले के थाना गुरबकसगंज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का रंगारंग कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रहा था, जहां तकरीबन रात्रि के 11:30 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब रायबरेली जिले के सभी थानों में अपने कार्यशैली के लिए चर्चित कांस्टेबल विभोर विक्रम ने नशे की हालत में हेड कांस्टेबल पंकज तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों के बीच इतनी कहासुनी हो गई कि हेड कांस्टेबल पंकज तिवारी लहूलुहान हो गए, उनकी सिर पर गंभीर चोटें आ गई। तत्काल थाना गुरबकसगंज इंचार्ज सुरेश कुमार सिंह ने हेड कांस्टेबल दीवान पंकज तिवारी को अपने साथ ले जाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र यथवाटप्पा में उनको भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया, जहां यथवाटप्पा के डॉक्टर द्वारा बताया कि उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जैसे ही यह सूचना पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार को लगती है, उन्होंने तुरंत ही कांस्टेबल विभोर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया और तुरंत ही इस पर जांच भी बैठा दी। थाना गुरबकसगंज पर 30 तारीख को रात्रि में दो आरक्षियों के बीच आपस में कहासुनी के दौरान मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है तथा जांच मुख्य क्षेत्राधिकारी लालगंज को सौंपी गई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है।